दोस्तों अपनी टीम की शर्मनाक हार के बाद रो पड़े रिंकू सिंह, पर खुद को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कह दिया कुछ ऐसा सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। जी हां, आपको बता दें अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से कोलकाता के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। आपको बता दें केवल 32 रनों पर उनके टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिसके बाद अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के कंधों पर थी, क्योंकि 50 रन भी नहीं जुड़े थे और मनदीप सिंह भी पवेलियन जा चुके थे। ऐसे में रिंकू सिंह मैदान में आए थे, उनसे उनके करोड़ों फैंस को बहुत सारी उम्मीदें थी और आते ही उन्होंने चौके से अपना खाता भी खोला। सभी को लगा कि रिंकू एक बार फिर अपनी टीम की नैया पार लगाएंगे, लेकिन इस खिलाड़ी ने इतने अधिक दबाव के बीच इतनी बड़ी गलती कर दी कि कोई अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। जी हाँ, अक्षर पटेल को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में रिंकू सिंह बाउंड्री पर खड़े ललित यादव को अपना कैच थमा बैठे। नतीजा ये हुआ कि केवल 64 रनों पर आधी कोलकाता की पारी पवेलियन जा चुकी थी, जिसके बाद तो पूरे मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। गिरते पड़ते कोलकाता केवल 127 रनों तक पहुंच पाई, लेकिन मुकाबला जीतने के लिए ये काफी नहीं था और दिल्ली ने कोलकाता को बुरी तरीके से कुचल दिया, जिसके बाद रिंकू सिंह बुरी तरीके से टूट गए थे। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने कह दिया कि मुझे जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, मैंने वहाँ पर खराब शॉट खेला था, ये मुझे भी पता है, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं इसके लिए खुद को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा, अपनी टीम की हार का जिम्मेदार मैं हूँ और उम्मीद है कि मैं भविष्य में अपनी गलती सुधार पाऊँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता आईपीएल के प्लेऑफ में जाएगी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए।